नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देश का सबसे बड़ा महापर्व आज बता दें आपको कि मंगलवार को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। सभी युवाओं ने भीड़ और गर्मी के चलते बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कशवा मलपुरा में आपको बता दें कि पुलिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया जिसमें कई युवा घायल हो गए। वहीं 70 वर्षीय बुजुर्गों पर भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है, जिस पर ACP पूनम सरोई ने खंडन करते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। उनके बूथ के सामने कुछ लोग खड़े थे जिन्हें बाहर हटा दिया गया है। तुलाराम इंटर कॉलेज में बूथ बनाया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल को जानकारी दी गई। चौधरी बाबूलाल स्वयं मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का हाल चाल जाना। वहीं उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर ACP पूनम सुरई मौके पर पहुंची और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और वहीं बताया कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है बताया गया है। इसके बावजूद देखिए किस प्रकार सभी लोग शांत हो गए और मैडम से जानिए देखिए किस प्रकार उन्होंने इस पूरे ACP ने खंडन किया है। तो वहीं देखिए एक कार्यकर्ता द्वारा किस प्रकार बताया गया कि इतना तेज मामला था कि जो जिस स्टूल पर बैठे थे वो भी टूट गया है। इसके कुछ देर बाद लगभग 6 बजे सांसद राजकुमार चाहर भी वहां से अपने कार्यकर्ताओं का हाल चाल जानने पहुंचे और उसके बाद वह आगरा के लिए चले गए। क्या है आपका? मेरा नाम जसराज सिंह है। ये कौन सी जगह है? ये मलपुरा गांव है। क्या मामला हुआ है? ये मामला ये हुआ था कि सुबह से अच्छा मतदान चल रहा था और अच्छे मतदान के कारण यहाँ कुछ ऐसे तत्व लोग आ गए कि जो उन्होंने दंगा कराया, जो कि यहाँ के यहाँ से पुलिस बुलवाई गई थाने से मलपुरा से और पुलिस ने आके वहाँ से मोड़ के गाड़ी को और साइड में गाड़ी खड़ी कर ली और आते ही डंडा चार्ज लाठी चार्ज ऐसो मलपुरा ने करा दिया। कितने लोगों पे हुई होगी? कम से कम 8-7 लोग जुटे रहे जिसमें से मैं भी हूँ। तो मैं इधर भागा तो ऐसो ने भक्के मुझ में ये डंडा दिया। इसकी शिकायत की आपने किसी से? इसकी मैं बता रहा हूँ, तो मैंने स्टूल यूँ किया तो स्टूल के 2 टूक हो गए। अगर 2 टूक नहीं होते मेरे सिर में लाठी लगती तो शायद आज मैं हॉस्पिटल में होता, हेड इंजरी होती। हमने फिर चौधरी बाबूलाल जी को शिकायत की, शिकायत करने पर वो तत्काल यहाँ आए और SO साहब से बात की, ACPC साहब से बात की तो वो यहाँ आ गए। उन्होंने माहौल को जो है रफे दफे ACP साहब ने करा दिया। थाने से कितनी दूरी होगी? आप जो बैठे हुए थे बातचीत कर रहे थे, ये थाना वहाँ है चौड़ाई पे, हम यहाँ बैठे हुए। या पोलिंग बूथ से कितनी दूर थे? पोलिंग बूथ से हम थे करीबन 150-200 किलोमीटर। वहाँ से हमारे कैंडिडेट भगा दिए और वहाँ से बूथ पे से बाहर से के अंदर से? अंदर से भगाए। क्या कह दिया गया? जो कह दिए भागिए यहाँ से, और जो जिन्होंने झगड़ा कराया था वो अंदर बूथ पे गए और पोलिंग पे उन्होंने अपना बटन दबाकर मतलब दिया। तब तक बाबूलाल जी आ गए, फिर वो निकल गए वहाँ से और तब हमारा मतदान शुरू हुआ है। कुछ जानकारी आई थी कि कुछ पुलिस बल का प्रयोग किया गया, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये हाँ हमें सूचना ये प्राप्त हुई थी कि तुलाराम इंटर कॉलेज में कोई पॉलिटिकल जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाला गया है। तो इस सूचना पर यहाँ आए, जब बात की गई पोलिंग एजेंट से संबंधित से, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको जो है उनके जो IDs मिले हुए थे तो IDs चेक किए गए तो वो उधर के पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, मतलब उधर के वोटर्स नहीं थे, तो इस वजह से उन्हें बाहर निकाला गया। बाकी उनकी थोड़ी देर के लिए बाहर उनको भेजा गया था, कोई मारपीट या किसी तरह का मिसबिहेव उनके साथ में नहीं हुआ था। ये खुद उनके द्वारा सारे जितने पोलिंग एजेंट्स हैं सबसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया। और उसके बाद जब इस शंका का समाधान हो गया, जब सेक्टर मजिस्ट्रेट आ गए और पीठासीन अधिकारियों ने शंका का समाधान कर दिया, तो दोबारा से उन लोग को पोलिंग एजेंट्स को अंदर बुला लिया गया। कोई मारपीट या किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। बाहर जो है जो लोग जैसे बहुत भीड़ लगा रखे थे बाहर, तो इस वजह से उनको फटकारा गया, भगाया गया है, लेकिन इसमें कोई मारपीट की या किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना का होना नहीं था। हाँ,
शांति है, बहुत अच्छे तरीके से मतदान चल रहा है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, ना तो पोलिंग एजेंट्स को कोई आपत्ति है, ना ही वोटर्स भी जो है बड़े आराम से आ जा रहे हैं। बुजुर्गों का आरोप है, बुजुर्गों के ऊपर पुलिस? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिनसे भी जिन भी व्यक्ति जो भी मौजूद थे हैं, सबसे जानकारी की गई। बूथ के अंदर किसी प्रकार की कोई मारपीट या कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बाहर जो है उन्हें भगाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि किसी भी पोलिंग बूथ के बाहर जो है 200 मीटर तक भीड़ या ऐसा नहीं होता, उसके लिए केवल जो है भगाया गया होगा। और ऐसा कोई बल प्रयोग इस तरह का या मारपीट की कोई घटना सामने नहीं आई है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज़।